एकनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा अब्बासी को देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में एनआईए एटीएस की स्पेशल कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। मुर्तजा ने पिछले साल 4 अप्रैल को गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा में तैनात पीएसी के जवानों पर बांका से किया था हमला, राइफल भी छीनने की थी कोशिश। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र के निर्वाचन में शाम तक 43.19% हुआ मतदान। मतदान पेटिका को गोरखपुर विश्वविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में किया गया है जमा। स्ट्रांग रूम पर सुरक्षा व्यवस्था का किया गया है पूरा इंतजाम। 2 फरवरी को होगा मतगणना। एआरओ अजय कांत सैनी ने दी जानकारी। भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मोहद्दीपुर स्थित रफी अहमद किदवई इंटर कॉलेज में पहुंचकर किया मतदान। कहा, चुनाव जीतने के बाद प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दिलाने का किया जाएगा कार्य। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महापरिनिर्वाण दिवस पर कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रख कर दिया श्रद्धांजलि। उनके पदचिन्हों पर चलने का लिया संकल्प। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के मतदान केंद्रों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने किया निरीक्षण। कहा, जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेटों की निगरानी में समस्त मतदान केंद्रों पर सकुशल हुआ मतदान। गोरखपुर एम्स के नव नियुक्त अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने एम्स का किया निरीक्षण। कमियों को देखकर व्यक्त की नाराजगी, 15 दिन के अंदर कमियों को दूर करने के लिए एम्स के अधिकारियों को दिए निर्देश। पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र का मतदान जनपद में कड़ी सुरक्षा के बीच सकुशल हुआ सम्पन्न। जनपद में बनाए गए थे 56 बूथ। सभी बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के थे पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में सेंट्रल ड्यूज इंटर कॉलेज में बनाए गए बूथ पर पहुंचकर एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने परिवार के साथ किया मतदान। कहा, अच्छे लोकतंत्र के लिए वोट में सभी की भागीदारी है आवश्यक। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे चुनाव में उत्साही नागरिकों ने बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी भाजपा।